इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं अविनाश। लॉकडाउन पार्ट टू का 13वां दिन है, स्थितियां कमोबेश जस की तस बनी हुई हैं। अब लोगों को इंतजार है आने वाली 3 मई का, कि 3 मई को क्या हमारे देश में लॉकडाउन पूरी तरह से खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो क्या स्थिति होगी। और भी कई सवाल जहन में है लोगों के, और कई मुद्दे जो हैं अभी, जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा जैसे शहर इस वक्त हॉटस्पॉट बने हुए हैं, यही कमोबेश स्थिति कई शहरों की है और कई जगहों पर हालात इसी तरह के बने हुए हैं। इसी पर हम चर्चा के लिए आज मौजूद हैं, और हमारे साथ हमारे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत गुलरेज जी, और फिरोज सिद्दीकी साहब हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत। कमान आपके हाथ में सौंप रहा हूँ रिजवान जी, चर्चा का आगाज करिए। धन्यवाद अविनाश जी, जैसा कि आप देख कर रहे थे 13वां दिन है जी, कुछ हॉटस्पॉट का आपने जिक्र किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हॉटस्पॉट बने हुए, कुछ शहर हॉटस्पॉट बने हुए जी, अहमदाबाद, आगरा, इंदौर, इस तरह के जो शहर हैं जी, तो चिंता में डाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो बात में, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ स्थिति चिंताजनक है जी, और लगातार कोशिशें भी जारी कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा है हर तरफ, बड़े स्तर पर उसको आजमाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ भारत फिर एक बार वो जो असली भारत है जी, तो बड़ी तो जो हमारा भाईचारा है, इसलिए कि एक भाई दूसरे के लिए अपना खून दे रहा है जी, और वो तो ठीक हो चुका, उसके खून उम्मीद है दूसरा भाई जी। तो चलिए इससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। फिरोज सिद्दीकी, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं आप इन सारी तैयारियों को, देश भर से तैयारियों का ब्यौरा आ रहा है, तकरीबन 22% मरीज ठीक हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा है ये कहता है देश का। दोबारा रिपीट कीजिए, मेरे पास आवाज आपकी जो है वॉइस क्रैक हो रही है रिजवान जी, आप एक बार दोबारा रिपीट कीजिए अपना सवाल। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि क्या कहेंगे आप, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, देश भर में आप तकरीबन 22% लोग ठीक हो रहे हैं, औसत यही है उसका, हर तरफ कोशिशें जारी हैं, अहमदाबाद हो, आगरा हो, इंदौर हो, ये शहर हॉटस्पॉट बने हुए हैं और ये चिंता में बिठा। देखिए तैयारियों का जहां तक सवाल है, सरकार ने तो कोई तैयारी की नहीं, बिना तैयारी लॉकडाउन कर दिया देश। उसके बाद आज टेस्टिंग किट की स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि टेस्ट किट है ही नहीं, बहुत दिनों में डिले हो रहा है, कई कई दिनों में टेस्ट हो रहा है, और कोरोना से जीतना है तो एक थंब रूल है कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, ना आइडेंटिफिकेशन जब ही हो सकता है जब टेस्ट हो। लगातार लाखों मजदूर जो है वो अभी भी सड़कों पर है, बेचारे पैदल चल रहे हैं इस गर्मी में, इस तपती दोपहर में 1,000 किलोमीटर, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि उनको कैसे वापस अब उनके घरों तक ले जाना है। फूड सप्लाई है जहां तक, खाद्यान्न है, लोग भूखे हैं, जगह जगह भूखे हैं, लेकिन गोदामों में अनाज है और लोगों के पेट में भूख है, ये बात भी समझ में नहीं आती, यानी सरकार का सप्लाई सिस्टम भी ठीक नहीं। तो अगर ये इन चीजों पे अगर हम इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो कितनी देर देश चल पाएगा, वो कितनी देर लोग साथ दे पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सरकार को तैयारियां करना चाहिए, जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां होती हैं उस युद्ध स्तर पर तैयारी करना चाहिए। अब जैसे मजदूरों का एक मामला है, मजदूरों को आप अपने अपने घर पहुंचाइए,
जो अलग अलग जगह तीर्थ यात्री है, टूरिस्ट है, वो फंसे हुए हैं, उनको उनके घर पहुंचाइए। उसके बाद आपका टेस्टिंग जो है, तो आप हॉट जोन में जो आपके हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ आसपास के एरियो में टेस्टिंग कैसी हो रही है, क्वारंटीन सेंटर कैसे है। तो ये अभी जो हालात है उनसे अभी मैं विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। सरकार को दोबारा कहती कि वो आप फिर से इन सब चीजों पर, मुद्दों पर ध्यान दीजिए और एक पुख्ता प्लानिंग के साथ सामने आइए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। रिजवान क्या कहेंगे डॉक्टर गोलेश? नहीं, इन्होंने सही कही एक बात तो, कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी मध्य प्रदेश में, और जिस दिन हमारी सरकार बनी। यदि लॉकडाउन एकदम नहीं लगाया होता तो थोड़ा सा है ना, हमको जागरूक होकर दूसरों को देखना चाहिए जिन्होंने एकदम नहीं लगाया उनका क्या हश हुआ। 4 मार्च को इटली में लॉकडाउन लगाना था, लेकिन उसकी बात पहले ही लीक हो गई। जब लीक हुई तो जो लोम्बार्डी वहां का सेंटर था वहां से लोग सब तरफ फैल गए और इटली में क्या स्थिति बनी आपने भी देखा, हमने भी देखा, दुनिया उसके ऊपर हो रही है। अमेरिका में ट्रंप साहब जो थे वो कंटिन्यू ये करते रहे, इस बात का उपहास उड़ाते रहे कि लॉकडाउन नहीं करूंगा, लॉकडाउन नहीं करूंगा आ जाएगी और कौन सा कोरोना, इस प्रकार की बातें रोज जो अपनी ब्रीफिंग उसमें कर रहे थे। क्या हुआ 50,000 से? आप क्या चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान में भी वही स्थिति बन जाए? इक्वाडोर में सड़कों पे लाशें पड़ी है, लोग उठा नहीं पा रहे, क्या आप ये चाहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश में जिन्होंने लॉकडाउन नहीं कर रहे थे, खुद उनके प्राइम मिनिस्टर को भर्ती होना पड़ा, आईसीयू में पहुंचना पड़ा, दर से आप लॉकडाउन के ऊपर प्रश्न मत उठाए सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं। हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं नकारता नहीं हूं इस बात को, लेकिन जो स्थितियां हैं ऐसी कभी स्थितियां बनी भी नहीं, और इसमें देश एक होकर साथ खड़ा है। सरकारें चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की हो, एकजुट होकर काम कर रही है। हम एक आपात स्थिति से निपट रहे हैं और इसी स्थिति में राजनीति ना करें बेहतर होगा। हमको जिसको कहते हैं कि रे ऑन द होल एंड ऑफ द टनल, मतलब वो गुफा के एक छोर पर जो उजाला दिखता है, हो सकता है कि वही उजाला आए, उजियारा बनकर आए। अब मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या, यदि आप समय दे तो। बिल्कुल बता दी, एक बार हम अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं आपके माध्यम से, लेकिन एक बार आप और बता दीजिए। प्लाज्मा थेरेपी जो है, मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि हमारा जो खून होता है उसके 55% प्लाज्मा से बना होता है जो पीले रंग का होता है, और इस प्लाज्मा का लगभग 92% पानी होता है। जो बाकी 45% हमारा रक्त, उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और दूसरी चीजें हैं। अब ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई बाहर का विषाणु हमारी शरीर में आता है तो इस प्लाज्मा के अंदर हमारा शरीर एंटीबॉडी निर्मित करता है। आप इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एंटीबॉडी वो सोल्जर्स होते हैं, वो फौजी होते हैं हमारी बॉडी के, जो अंदर घुसने वाले इन्वेडर को मार गिराते हैं। तो वो एंटीबॉडी निर्मित करता है और ये एंटीबॉडीज जो है ये उसको साफ सफाई करती है हमारे खून की, हमारे शरीर की, ताकि दूसरे सेल्स तक विषाणु नहीं पहुंच सके। अब एक बार जो व्यक्ति वापस से ठीक हो जाता है, कोरोना से इन्फेक्ट हुआ या सार्स का हुआ या इबोला का हुआ, किसी भी बीमारी का, टाइप की वायरल इन्फेक्शन का, वो ठीक भी हो जाने के उपरांत भी ये एंटीबॉडीज लंबे समय तक उसके शरीर में रहती है। तो ये कहता है कि मेरे शरीर में यदि कोई एंटीबॉडी है तो जो व्यक्ति अभी पीड़ित है कोरोना से, मेरे शरीर से रक्त निकाला जाए, उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाए, उसको दे दिया जाए। ये कहता है कि जैसे हमारे फौजी जो होते हैं वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी लड़ सकते हैं, जैसे यूएन पीस कीपिंग ट्रूप में जाते हैं, वैसे ही मेरे शरीर में जो फौजी है
मेरा जो एंटीबॉडी है वो आपके शरीर में भी जा सकता है और लड़ सकता है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी पूरा निर्धारित यह भी नहीं है कि इस विषाणु के ऊपर कितना काम करेगा, लेकिन ये कोई नई टेक्निक नहीं है। पिछले 100 साल से जो स्पेनिश फ्लू आई थी 1918 में, उसमें भी इसका उपयोग हुआ था और अच्छे परिणाम आए थे। और लेटेस्ट बात करें तो H1N1 में भी हुआ था, इबोला में भी परिणाम दिखा था। तो अभी ये व्यापक रूप से पूरी दुनिया इसके ऊपर प्रयत्नशील है, इंक्लूडिंग भारत और इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय से इस चीज के लिए परमिशन ले ली है कि हम भी यहाँ पर इसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि ये जो टेक्निक है ये किसी तरह की कामयाब सिद्ध तो हो। अब ये विषय उठता है कि क्या ये बहुत कष्टदायी टेक्निक है प्लाज्मा निकालना, उत्तर है नहीं। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही डोनेट होता है, बस छोटा सा अंतर ये होता है कि जो ब्लड हम डोनेट करते हैं तो ये जो सुई लगती है हमारे हाथ में, उससे जो रक्त एकत्रित होता है वो एक बैग में होता है, इसमें एक मशीन में होता है। उस मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होता है जो रक्त में से प्लाज्मा को अलग कर लेता है, और जो बाकी जो बचा रक्त होता है वापस जो नई जो सुई लगी हुई है उसी से आपके शरीर में वापस चढ़ा दिया जाता है। तो ये एक अंतर है बस इसमें। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसके ट्रायल चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। क्या कहेंगे फिरोज सिद्दीकी, आपने जो सवाल उठाए थे उन्होंने कहा कि हाँ कुछ हद तक वो सहमत है, उन्होंने कुछ बड़े देशों का उल्लेख भी किया, उन्होंने कहा 3 मार्च में टीमें लगना चाहिए था, लीक हो गया और उसकी वजह से ऐसा हो गया। भारत में तो 24 मार्च को अनाउंस हुआ, 25 मार्च से लगा। तो इन सारी चीजों को आप देखते हैं, इसमें कहाँ आप ये पाते हैं कि ऐसी कोई चूक हुई है जो बहुत उल्लेखनीय है? देखिए 12 फरवरी को ट्वीट आ गया था राहुल गांधी जी का कि ये कोरोना जो है हमारे लिए अब खतरा बन रहा है क्योंकि ये चाइना से लीक हो गया है। 17 फरवरी को WHO ने इसको वैश्विक महामारी का रूप दे दिया था कि ये वैश्विक महामारी बनने जा रहा है कोरोना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, भीड़ ना लगाई जाए। ये 17 फरवरी को WHO ने, उसके बावजूद भी हमने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया। 12 तारीख को फिर WHO ने एक चेतावनी जारी की। 13 तारीख को भारत सरकार ये कहती है 13 मार्च को कि नहीं, मध्य भारत में ये कोई इमरजेंसी नहीं है, जो कोरोना जो है भारत में इमरजेंसी नहीं है। जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार बदल जाती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाती है, उसके 2 दिन बाद ये वैश्विक महामारी बन गया। तो आपने क्या देश के लोगों को परेशान करने, देश के लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी आपने? अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना थी तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जहां जहां हुआ, आप देखिए अहमदाबाद नमस्ते ट्रंप के लोग गए, दिल्ली ट्रंप के लोग गए, आप आगरा ट्रंप के लोग गए, ये 3 जो हमारे शहर है इनकी हालात बहुत जरूरत से ज्यादा खराब है। आप देख लीजिए वहाँ बार बार ट्वीट आ रहे हैं, बार बार वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को लेकर आगाह कर रहा है। बॉम्बे भी अहमदाबाद से कनेक्ट है, डेली वहाँ बहुत लोगों का आना जाना, पूरा व्यापार जो है अहमदाबाद और बॉम्बे का साथ साथ चलता है। तो ये सरकार ने किए ठीक, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जो सवाल हमने 25 मार्च को उठाए थे आज भी वो सवाल वही के वही है। मजदूरों की जहाँ तक सवाल है, मजदूरों को घर नहीं पहुँचाया जा रहा, आज भी मजदूर तो आपको शुरू हो गया, आपको शुरू हो गया बड़े पैमाने पर बसें भेजी जा रही हैं, उनको अपने अपने ठिकाने पर पॉलिसी नहीं है रिजवान जी, ये कोई पॉलिसी नहीं है, किसी पॉलिसी के माध्यम से नहीं हो रहा ये काम। सरकार से अगर मैं सवाल कर लूं, आप ही सवाल कर लीजिए गुलरेज जी से, वो ये बता दें कि कौन से जिले के कितने मजदूर हैं, कितने मजदूरों को आप लाओगे, आपने क्वारंटीन सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए हैं, उनकी उन वहाँ आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। चलिए पत्रकारों को ही भ्रमण करा दीजिए आपके क्वारंटीन सेंटर्स का, वही देख के अपनी खबर चला देंगे, हम मान्य कर लेगा विपक्ष। ये सब चीजें कहाँ है, ये तो अगर आपने कोई बिना प्लानिंग के कोई काम कर रहे हैं तो ये प्लानिंग तो मुश्किल से, मुझे लगता है कि ये और एक खतरे जान वाली स्थिति हो जाएगी। मुझे तो अभी तक कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं है कि ये बड़े बड़े कॉलेजेस को हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया है, मजदूरों को लाके यहाँ रोका जाएगा, 4 लेयर्स में होगी, तो कहाँ है ये सब चीजें।
ये मध्य प्रदेश में लोग जो है चावल हमारे पास रिकॉर्ड खरीदी की कमलनाथ जी की सरकार ने 24 लाख मैट्रिक टन, लेकिन लोग अभी भी भूखे हैं। आटा है, आटा सरकार बांटने चली तो 2 किलो 4 किलो कम है, आटे में भी सप्ला हो रहा है। ये सवालों के और टेस्टिंग किट और पीपी किट का तो मामले अभी भी खड़े हुए हैं, अभी भी सरकार उस पर जवाब नहीं दे पा रही कि ये अभी तक क्यों नहीं खरीदे गए। हमने पिछली बार भी बात की थी और आज फिर इसी चैनल पे हम बात कर रहे हैं कि वो प्रक्रिया में आज भी है, वेंटिलेटर पीपी किट आज भी नहीं आए। क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेर, आपने सुना? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा आपके दर्शकों को भी कि बहुत सारी चीजें उन्होंने झूठ बोली हैं। एक तो सबसे पहली बात, यदि 12 फरवरी के दिन राहुल गांधी जी ने आगाह किया था तो कमलनाथ जी ने क्या तैयारी की? क्या एक भी पीपी किट का आदेश दिया था? डॉक्टर गुलेर, ये बातें हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, फिर वही जवाब देंगे, वो पलट कर देंगे। वो कहेंगे शॉपिंग मॉल बंद कर दिया, वो कहेंगे फैक्ट्री संस्थान बंद कर दिया, वो बहुत कुछ कहेंगे, वो बहुत कुछ कहते। लेकिन राहुल गांधी ने जब आगाह किया था, लव अग्रवाल ने उसके बाद क्या कहा था? अब ये कामकाज नहीं है, जवाबदारी लेनी पड़ेगी ना आपको भी। उस समय तक तो चूंकि केस नहीं थे तो ये कहा। अभी आप इटली का 3 मार्च बताते हैं और हिंदुस्तान के बारे में आप उस पर बात नहीं करते। नहीं, देखिए एक बात है, जब तक के भारत में एक केस था जब उन्होंने कहा था और उसको क्वारंटीन कर दिया गया था, तो फिर आप कैसे मानेंगे महामारी? कल ही बयान आया है कनिका कपूर का कि उन्हें कोई उनकी स्कैनिंग नहीं हुई, उन्हें किसी तरह से क्वारंटीन में रहने के लिए नहीं कहा गया। सवाल खड़े करते हैं सब चीजें, वो हो सकता है वो झूठी हो, लेकिन कई रिकॉर्ड में तो होगा, रिकॉर्ड आपको जाहिर करना चाहिए। इसलिए 24 घंटे हो गए उसको ये आरोप लगाए हुए। अभी तो क्या होगा कि देखिए आज उनको पुलिस से नोटिस भी गया है, तो उसके बाद जो वो तो मुकदमा कायम हो चुका है उन पर, जो भी पुलिस के पास रिकॉर्ड होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास रिकॉर्ड, देश जानना चाहता है देश को तो बताना पड़ेगा ना। पुलिस के पास रिकॉर्ड होंगे वो कनिका से को लेकर होंगे, उन पर कार्रवाई कितनी होगी, उनकी अरेस्टिंग होगी कि नहीं, उनकी अरेस्टिंग होगी, अदालत में मुकदमा चलेगा, वो सजा तक इंतजार कौन करेगा? आपको बताना पड़ेगा ना। यही इंदौर के कलेक्टर ने भी कहा था 5,000 लोग आए और मालूम नहीं है वो कौन लोग हैं, कहां चले गए। ये तो समय तो हमारी सरकार भी नहीं थी जब 5,000 लोग आए, लेकिन सरकार नहीं थी। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज तो आपकी है साहब, हमारी और तुम्हारी क्या होता है इसमें? एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने जो भी बाहर का व्यक्ति आया था उस समय जो SOP माना गया था विश्व भर में कि टेम्परेचर मेजर करना, सबका टेम्परेचर मेजर किया। तो देखिए आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये वायरस को नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नया है, हम नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है। अब आज मालूम पड़ रहा है कि 80% तो असिम्टोमेटिक होते हैं, तो वो आपके सामने से भी निकल जाएंगे, सारे टेस्ट कर लेंगे आप तो भी कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये सब जो है उन्हें क्वारंटाइन तो करेंगे ना, उन्हें आइसोलेट तो करेंगे ना। आइसोलेट तो जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश के जिन पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने, वो पत्रकार और उनकी बेटी, वो उनकी बेटी तो आई थी, वो खुद से गई, किसी स्वास्थ्य विभाग ने किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग के पास सूचना ही नहीं थी। उन्हें ये कहा गया था कि आप अपने स्टेट जाइए, आपको स्वास्थ्य विभाग संपर्क करेगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास उनके वहां पहुंचने की सूचना ही नहीं दी गई। अब वो स्वास्थ्य विभाग के पास सूचना तो डेफिनेटली आई होगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया उस समय कि ये इसका नहीं, लेकिन सर जवाब देंगे मुझे, सूचना नहीं दी किया था, सूचना नहीं दी गई। दूसरी चीज भाई साहब, जितने भी फॉरेन ट्रेवल करके आए, क्योंकि मेरे खुद के परिचित आए हैं, मेरे मित्र आए हैं, थाईलैंड एक दोस्त उसकी बीवी गए थे, जब वो उज्जैन के ही है, जब वो उज्जैन आया, उज्जैन के लिए एयरपोर्ट पर आए तो इंदौर एयरपोर्ट पर बाकायदा उनके हाथ पर सील लगा के भेजा गया कि होम क्वारंटीन फॉर 14 डेज। तो ये तो किया गया है, अब नागरिक कर्तव्यों को भी कनिका कपूर जैसे लोग भूल जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन जहां तक इन्होंने बात की अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि WHO ने 17 तारीख को आगाह कर दिया था वैश्विक महामारी, ये 100% झूठ है। 14 फरवरी के दिन WHO का ट्वीट आता है, उसको ट्विटर पर आप जाकर देख सकते हैं, आज भी प्रिजर्व्ड है। वो कहते हैं उसमें कि ये बीमारी जो है ये मानव से मानव तक नहीं फैलती है, ये 14 फरवरी का बात है,
ये WHO का आधिकारिक ट्विटर हैंडल कहता है 21 फरवरी को जब वुहान में लॉकडाउन हुआ तब जाके 21 फरवरी के ही दिन WHO ने इस बात का लेकर ट्वीट किया कि ये मानव से मानव को फैल सकती है। उसके बाद जब दुनिया भर ने चाइना के फ्लाइटों को रोकना शुरू किया पूरे विश्व भर में, तो उस पर WHO कहता है कि चाइना की फ्लाइट को ना रोका जाए, इससे कोई कंट्रोल नहीं होगा और इससे कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तभी तो इतनी बातें चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों WHO की जो सहायता है वो रोकी है? क्योंकि WHO कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो हैंड इन ग्लोव विद चाइना है आज के समय। तो ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी झूठ की पार्टी बन चुकी है। आप ये तो मानिए कि भारत को लेकर किस तरह के आंकड़े लगाए गए थे, जब 12 मार्च को उन्होंने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया था। सुन लीजिए, जब 12 मार्च को इन्होंने पेंडेमिक घोषित कर दिया तो आपको 14 मार्च को ना देना था लॉकडाउन। फिरोज सिद्दीकी की आपको मौका नहीं है, आपको फिरोज लॉकडाउन लगाना था। फिरोज सिद्दीकी की आपको मौका नहीं था। फिरोज सिद्दीकी मंत्रालय ने आप क्यों भेजा कि हमारे यहाँ ये इमरजेंसी? सुरेश जी, इस बात का जवाब दीजिए। मैं तो ताजिए बिना प्रिपरेशन के कभी नहीं बैठता हूँ। बताइए बताइए, के साथ बात कर रहा हूँ हर चीज की। आप बुखला रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ तक कि जो भारतीय मूल के बाहर काम करने वाले वैज्ञानिक है तथा कथित बुद्धिजीवी है, उन्होंने ये भी कहा था कि भारत से 50 करोड़ के लगभग लोग संक्रमित होंगे और 30 लाख के लगभग डेथ टोल आएगा। क्या हुआ? ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत सख्त मेजर्स लिए हैं। और जो डॉक्टर गोले वो एक बात कह रहे हैं कि जांच ही नहीं हो रही है, जो वो ये भी कह रहे हैं कि जो मजदूर है उनके लिए क्वारंटीन सेंटर आपने कहां बनाए हैं ये भी घोषित नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जिनको जिनको आप लाएंगे, कैसे लाएंगे, किसको किसको लाएंगे, कितने लोग कहां हैं, इसकी भी आपके पास कोई सूची नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि आप सबकी जांच नहीं कर पा रहे हैं, इतने ढेर सारे लोगों की आपके पास जांच किट नहीं है। बड़े पैमाने पर जांच किट जिस तरह से आप लाए थे वो फेल हो गई है। एक और सवाल है कि आपने जिस कंपनी को केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर जिस कंपनी को जांच किट से जिससे खरीदी गई उससे केंद्र में 600 रुपए में खरीदी और वो 450 रुपए में तमिलनाडु ने खरीदी। इस तरह की बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो बार बार सवाल खड़े करती हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग देशों की किट थे, सबसे सस्ती जो है वो चाइनीज किट है, सबसे महंगी जर्मन किट है। तो सबसे पहले तो हमने जर्मन किट खरीदी, उसके बाद हमने साउथ कोरियन किट खरीदी, लेकिन दुर्भाग्यवश अब जो सप्लाई चेन है चाइना और जर्मनी और साउथ कोरिया की रुकती गई है, बचता ऑप्शन चाइना का है। और ये बात सच है कि चाइना से कुछ किटें जो आई वो खराब आई जिनको हमको वापस करना पड़ा। लेकिन जहां तक की टेस्टिंग की बात है, आप मुझे ये बताइए कि जो भी संक्रमित व्यक्ति दिखता है, जिसमें दिखते हैं कि इसमें लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, ऐसे किस व्यक्ति की टेस्टिंग नहीं होती है? डॉक्टर गोलेश आप कह रहे हैं 80% लोगों में सिम्टम्स है ही नहीं, फिर आप लोगों को बड़े पैमाने पर ला रहे हैं। आप कोटा से छात्रों को लाए, आप मजदूरों को भी लाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ढेर सारे मजदूर पैदल चल पड़े हैं, बहुत ढेर सारे मजदूर किन्हीं भी गाड़ियों किन्हीं भी वाहनों में चल रहे हैं, सवार हो गए, छुपके निकल के आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर इसी तरह चलते चले जा रहे हैं भारी गर्मी में। ये किसी की भी किसी जगह पर चेक तो हो नहीं रहा है ना, जांच तो आप कर नहीं रहे। इसी के इतने बड़े पैमाने पर हम मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जांच कर सकते हैं एक दिन में? नहीं, 3 से 4 हजार से ज्यादा नहीं कर सकते हम 3 से 4। और हम कितने लोगों को लेके आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? अब इसमें जो देखिए दो चीजें हैं इसमें, ये जितने भी आए हैं इनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। जहां तक मजदूरों का भी विषय है, जिस जिले का जो मजदूर है, हर जिले में आप देखिए 4 से 5 क्वारंटीन सेंटर से, एक क्वारंटीन सेंटर वो है जिस पर लगता है कि हो सकता है कि ये मरीज हो और जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी उसमें रखा जाएगा। एक जो घोषित होता है रिपोर्ट के द्वारा वह क्वारंटीन सेंटर अलग है। दूसरा जो होटल का दूसरे स्थानों का उपयोग किया गया है, होटल हुई, धर्मशाला हुई, वहां पे वो लोग हैं जिनको केवल शक के बेसिस के ऊपर क्वारंटीन किया गया है। और कुछ ऐसे हैं जैसे मजदूर आएंगे इनको भी एक अलग जगह क्वारंटीन किया जाएगा। जहां तक छात्रों का विषय है उनको होम क्वारंटीन करने का कहा गया, तो डेफिनेटली वो भी क्वारंटीन हो रहे हैं सर।
और जहां तक कि आप बोल रहे हैं कि टेस्टिंग्स की बात है, देखिए टेस्टिंग तो दुनिया भर में कहीं भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि किट्स की अवेलेबिलिटी समूचे विश्व में कम है। अमेरिका की रात रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां भी वही समस्या आ रही है, हमारे यहाँ भी वह समस्या आ रही है, तो टेस्टिंग तो उसी की जाएगी जिसमें लक्षण दिखते हैं। आप सोचे कि रैंडम टेस्टिंग करें वो जब तक नहीं होगी जब तक ये रैपिड एंटीबॉडी वाला जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं होता। अभी तक की जो हमने किट मंगवाई थी तब तक हो जाएगा, निकली तब तक हो जाएगा, जब तक किट सही नहीं आती कुछ नहीं कर सकते। ये जब तक कब तक है, कब तक आपको इसी तरह से रहना होगा डॉक्टर में? नहीं जब तक आप एक डॉक्टर है और आप बेहतर जानते हैं, सबसे भी हैं कि आजकल तो छोटी छोटी बीमारियां थी उनके पहले पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं उसके बाद इसका इलाज शुरू होता है। अब आजकल नब्ज देखकर, चेहरा देखकर, उस देखकर सिम्टम्स पूछकर ऐसे इलाज नहीं होता, आजकल तो टेस्ट होते हैं कई तरह के। मुझे लगता है जो 8 से 10 दिनों में नई जो एंटीबॉडी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की किट थे वह आ जाएगी, इसकी मुझे पूरी अपेक्षा है। जो चाइना से खराब लॉट हुआ आया था उसको वापस कर दिया गया है और रिप्लेस होकर जो आएगा वो काफी बड़ी संख्या में आना है। चलिए फिरोज सिद्दीकी क्या कहना चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि आप मार्च और फरवरी के आंकड़ों में आप उलझा रहे हैं जब कहा गया, झूठी तारीख बता रहे हैं। वही तो मैंने कहा मार्च और फरवरी, इसीलिए मैने कहा सरकार ये ट्वीट दे रही थी, ये ट्वीट कर रही थी। ये कौन सा 13 तारीख है, कौन सा 13 मार्च को ये ट्वीट आया कि नहीं साहब मध्य भारत में ये इमरजेंसी नहीं है, कोरोना कोई इमरजेंसी नहीं है भारत में, और 10 दिन बाद लॉकडाउन हो जाता है पूरा देश, तो इसका क्या मायने निकाले जाए? यानी आप जो पुष्पैनी में थे, एक बात, दूसरी बात, आज 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने। हेलो, जैसे लगा कैसे जब आप कह रहे हैं, फिर जब आप कह रहे हैं डॉक्टर गुलरेज कि इटली ने 3 मार्च को नहीं किया इसलिए उसको लीक हो गया, इसलिए उसको एक कीमत चुकानी पड़ी और हम 25 मार्च तक पहुंच गए तो हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। देखिए इटली का और हम में ये अंतर है कि इटली में जो संक्रमण था वो बहुत पहले से फैल चुका था लेकिन हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं बनी थी। ट्रंप के दौरे को लेकर बार बार सवाल उठते रहे, इतनी बड़ी बड़े संख्या में भीड़ इकट्ठी करने को लेकर बार बार सवाल उठते रहे और वो आज हमारे सामने वो समस्या सबसे बड़े स्तर पर आकर खड़ी हो गई है और वो इस तरह के कई रिपोर्ट्स आ रही है, उसका बढ़ावा नहीं करता लेकिन जो जिस तरह की कई रिपोर्ट्स आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि वो जो अमेरिका या इस तरह के या इटली इस तरह की जगहों पर जो संक्रमण था, जो वायरस था, वही उसी का अटैक अहमदाबाद में भी है, आगरा में भी है, इंदौर में भी कहा जाता है कि वही है, दिल्ली जी। तो ये मैंने कहा ना, मैं इसका इसकी पुष्टि नहीं करता था इसलिए कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं लेकिन ये कहा यही जाता है, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं इस बात कहने का। तो ये वही वायरस है और जहां जहां ट्रंप गए, जिस तरह से गए, उनके साथ बहुत ढेर सारे लोग आए थे और आज वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेट कमिश्नर को तो ये तक कहना पड़ा कि अगर इसी गति से हर 4 दिन में दुगना होगा तो स्थिति बहुत भयावह होगी। मैं उस आंकड़े को तक नहीं जाना चाहूंगा जो आंकड़े बताए उन्होंने, तो ये जाहिर है कि ये इसको लेकर बहुत तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए कोरोना जो है वह इंदौर में भी फैला, वह दक्षिण भारत में भी फैला है, वह नॉर्थ ईस्ट तक भी गया है, वह कश्मीर में भी गया है, इन सब स्थानों का ट्रंप कोई तालमेल नहीं मिलता। देखिए जहां तक मुंबई हुआ, आगरा हुआ, अहमदाबाद हुआ या डॉक्टर गुलदेव सारे तालमेल सिर्फ जमात से मिलते हैं, जहां जहां आपकी सरकार है जमात का नाम जरूर लेती है और आजकल तो स्वास्थ्य विभाग ने, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जांच जमात अलग से आंकड़े भी देने शुरू किए, तो ये मिल सकता है, क्रम से नहीं मिलेगा। नहीं देखिए जिन जिन शहरों में भी लोगों का आवागमन ज्यादा होता है उसका ट्रंप से लेन देन नहीं है, चाहे दिल्ली हो वहां पर लोगों का आवागमन है, अहमदाबाद में तो आपने ही आवागमन बहुत अधिक कराया, नहीं आप ही स्थिति क्यों नहीं है, पॉपुलेटेड सिटी है कलकत्ता, इंडिया में सबसे डेंस पॉपुलेटेड मेट्रो है अहमदाबाद, इतनी बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग आते हैं उसका फर्क पड़ता है। देखिए जिन शहरों में भी आवागमन ज्यादा है बाहर के लोगों का, वहां पर इसका संकट बढ़ता है और बड़ा है,
तो वो तो हमको दिख रहा है। इवन आप कंट्रीज को भी देखिए कि आप स्पेन को देखिए, स्पेन में टूरिज्म बहुत है, इटली में टूरिज्म बहुत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टूरिज्म बहुत है, ग्रेट ब्रिटेन में बहुत है। तो जहां जहां बाहर के लोग अत्यधिक आते हैं वहां वहां कोरोना भी अत्यधिक फैला है। कंपेयर करें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को भी आप, तो छत्तीसगढ़ में टूरिज्म बहुत कम है कंपेरेटिवली, बाहर के लोग कम आते हैं। तो कोरोना का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तुलना में कम हुआ है। राजस्थान में बहुत अच्छा खासा हुआ है, तो राजस्थान भी टूरिज्म पे निर्भर है बहुत। चलिए कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं तो इतना कहूंगा कि जो सरकार ने पहले गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया, जो उसने लापरवाही की, वही लापरवाही अभी भी चल रही है। आप देखिए टेस्ट क्या है वो आपको सामने दिख रही है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि सबको जो प्लाज्मा थेरेपी की बात की है और ऐसी बातें आई हैं कि जमात के लोग सब तैयार हैं उसको अपना अपना ब्लड देने के लिए, तो ऐसे ही मैं भारत के सभी लोगों से अपील करता हूं कि हम सब लोग एक हों, एक साथ हों, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा सब एक हो जाए, पूरा भारत एक हो, तभी हम आत्मविश्वास रखना है। मेरी बात सुन लीजिए, देश भर में बहुत से उदाहरण है ब्लड डोनेट करने के। हिंदुओं ने आगे बढ़कर, मुस्लिमों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को खून दिया है, जिसको जहां पता चला। और आज ही एक खबर उत्तराखंड से भी आई थी, वहां दो बहने सगी बहने, उन्हें पता चला किसी को ब्लड की जरूरत है, वो बहने खुद निकली और वो ब्लड देकर आई। वो हिंदू बहने हैं, दो बहने, और वो किसी मुसलमान को देने गई। बिहार में भी ऐसी खबर आई और कई जगह ऐसा है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को दिया। तो ये तो देश का मामला है, शुरुआत में नहीं कह रहा था कि यही साथ में कह रहा हूँ, यही कुछ भी है हमारे देश। मुझे बोलने दीजिए कुलरेश भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जमातियों को जिस तरीके से हमने कहा और उनको बड़े तरीके, बहुत सारे कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाए गए, इसलिए मैंने स्पेसिफिक नाम लिया जमातियों का। ये भारत एक है, अगर हम बिखर जाएंगे तो कोरोना हमसे जीत जाएगा, और अगर हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो कोरोना को हम सब मिलकर हरा देंगे। यही मेरी अपील है लोगों से, और सभी लोग जो है भारत के नागरिक ही लड़ रहे हैं इस कोरोना से। इसलिए ही जो है कोरोना इतना भयावह अभी तक इटली और अमेरिका जैसा हाल नहीं हुआ, लेकिन अगर सरकार जो है लापरवाही करती रही तो फिर आने वाला जो समय है वो जरूर कठिन हो सकता है। इसलिए सरकार को जो जो मुद्दे हैं सामने उन पर ध्यान देना चाहिए। फिरोज सिद्दीकी, आप किसान नेता हैं जी, किसानों को लेकर भी बहुत तरह की चर्चा है। बीती रात बहुत बारिश हुई, दो दिनों से लगातार अलग अलग जगह पर बारिश हो रही है, इन सब का क्या असर है? जो खरीदारी सेंटर है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए खरीदारी जो है, मैंने तो पहले भी बात उठाई, ट्विटर के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि आप अगर खरीदी केंद्र ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो हम अनाज जो है गेहूं किसी हालत में नहीं तुल पाएगा। कुल 12 लोगों के पास SMS आ रहे हैं। पहले ये होता था कि हम बड़ी बड़ी लाइनें लगा लेते थे, ढेरियां लगा लेते थे, और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं होता था, लेबर भी बहुत होती थी। अब लेबर की भी शॉर्टेज है, बारदाने यानी बोरों की भी शॉर्टेज होने वाली है, और जो समय है, समय वो बहुत कम है क्योंकि एक महीना पहले ही लेट चल रही है तुलाई, और एक महीना बाद जो है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें 25-26 मई को इसको बंद करना पड़ेगा तुलाई को, क्योंकि हमारे पास पानी का बारिश आ जाती है और किसानों का बहुत सारा गेहूं जो है इस बारिश में भीगा है। तो सरकार को वो सर्वे सोसाइटियों के स्तर पे हो जाएगा, तो अगर किसानों का नुकसान हुआ है तो सरकार को वो गेहूं तोलना चाहिए। और सरकार जो है सोसाइटियों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये ना पतला गेहूं नहीं ले रहे हैं, सफेद दाना नहीं ले रहे हैं, लाल दाना नहीं ले रहे हैं, तो किसानों को इन दिनों में परेशान ना करे सरकार, उनके ऋण की राशि में जो कटौती कर रहे हैं, जो उनके ऋण का पैसा काटा जा रहा है वो ना काटा जाए। जो दूध हमारे उत्पादक किसान है उनका 5.20 रुपए फैट वापस दूध सस्ता कर दिया है, रेट उसको वापस पुराने रेट यानी 7 रुपए प्रति फैट पे किया जाए। ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फल सब्जी वालों के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि उनका उत्पाद जो है खेतों में सड़ रहा है। आज से एक महीने पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। सरकार कोई सप्लाई चेन नहीं बना पाई कि वो गांवों की सब्जी जो है वो शहरों तक आ जाए, किसानों को भी दाम मिल जाए, उपभोक्ताओं को भी फायदा हो जाए, वाजिब दामों में मिल जाए। रिजवान जी जी,
क्या कहेंगे डॉक्टर गुल्ले से, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर आपकी। देखिए मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा मानसून बुला रहे हैं कि 25 मई तक के मानसून आ जाता है, पूरे मानसून पहुंचता है 15 जून तक, ये तो हम सब जानते हैं भाई। 25 जून तक बंद करनी पड़ेगी, 25 मई तक बंद करनी पड़ेगी। डॉक्टर गुल्ले से लोकल चुनाव होता है, अभी बीती रात में हुआ है लोकल में, आप इंदौर में बहुत आकस्मिक शोवर्स है और बहुत जगह होता है, बड़े बड़े पैमाने पर ये हो हुआ है। यही सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मौसम की मार किसान भाइयों पर नहीं पड़े, इसीलिए बीमे की जो प्रीमियम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर चुके हैं। शायद हो सकता है किसी जी को पता होगा यह बात, जहां तक ये बोल रहे हैं केवल 12 एक्टर बता रहे हैं, ये भी अतिशयोक्ति है। किसानों को आ रहे हैं मैसेजेस और मैसेजेस के हिसाब से वो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, एक गाड़ी में 5-5 लोग जाने की अनुमति है। जहां तक कि वो ऐप का सवाल है जिसमें व्यापारी और किसान दोनों कर सकते हैं, उससे अभी तक 80,000 लोगों ने रजिस्टर कर चुके हैं, उससे व्यापार हो रहा है। थोड़ा इसको इनको टेक्निकल पॉइंट भी बता रहा हूँ, और मंडियां सुचारू चल रही हैं। देखिए थोड़ी समस्याएं तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पंचायत स्तर पर अगर ये सेंटर बन जाते तो बेहतर होगा। तो क्या समस्या है, अभी भी कोई समस्या नहीं है, कोई आवागमन में रोक टोक नहीं हो रही, जिसके पास SMS आ रहा है उसको जाने से रोका नहीं जा रहा है, चलिए तो उसमें समस्या क्या है? और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहूंगा सभी को कि संयम रखें, भाईचारा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हम सबको भाईचारा बनाने की आवश्यकता है, भाईचारा बनाकर रखें, ये देश हमारा है, सबका है, और सब मिलकर कोरोना का परास्त करेंगे। चलिए आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। रिजवान जी जैसा सर जी जी और मैदान में क्या हो रहा है, बिल्कुल ये तो जब जिस पर आती है वही समझ सकता है। सरकारें कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकारें बहुत कुछ करते हुए दिखती भी हैं। ये महामारी इससे पहले तो ऐसी आई नहीं, इन सरकारों को इसका अनुभव ही नहीं है जी। वैसे ही भारत स्वास्थ्य सेवाओं में या आपदा प्रबंधन में भारत बहुत आगे होता नहीं है, पीछे ही रहा है जी। बहुत ढेर सारे स्टेट तो बहुत ठीक ढंग से आपदा प्रबंधन को समझते भी नहीं जी। लेकिन फिर भी आपात परिस्थितियां हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, हौसला बनाए रखिए, दिल से जुड़ कीजिए, जन्म कीजिए जी, इसलिए कि इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, बिल्कुल मुकाबला करना जरूरी है बिल्कुल। लेकिन दूरी जरूर बनाइए जी, इसलिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ही इतना सबसे बेहतर उपाय है जी। व्यक्ति से व्यक्ति दूर रहे, भले आप परिवार में ही क्यों ना हो जी, क्योंकि आप परिवार के साथ रह रहे हैं जी। जो थोड़ा भी बाहर जाते हैं जी, जिनको थोड़ा भी किसी के से संक्रमित होने की आशंका है जी, वो आपस में दूरी जरूर बनाए, बहुत जरूरी है जी। और ऐसे समय में एक दूसरे का साथ दें जी, करीब जिनकी हम बार बार या फिक्र कर रहे हैं जी, उनको हम जो यथासंभव स्वयं भी मदद कर बिल्कुल जरूरी है, ताजा है जी, और यही इंसानियत जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त एक दूसरे का साथ देने का समय है, धैर्य बनाए रखने का समय है, और जैसा आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के अब इसे आदत में डालना पड़ेगा। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं, काफी महीनों तक हम यदि इसको अपनी आदत में बनाए रखेंगे तभी जाके हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। और इसका उपाय भी अफसोस अभी तक ये है कि एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी आपका इस अहम जानकारी के लिए, इस चर्चा में आपने जो बातें कही, जो मुद्दे उठाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलरेज साहब। लॉकडाउन पार्ट टू का आज 13वां दिन है, हालात जैसे के तैसे बिल्कुल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सरकार कोशिशें बहुत कर रही है, हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला किया जा रहा है। सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी अब बात को समझ चुके हैं कि दिशा निर्देशों का पालन करने में ही समझदारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार।